गाजर ही गाजर। इस पूरे हफ्ते का ब्रेकफास्ट में सिर्फ गाजर ही है और कुछ नहीं है क्या मॉम? गाजरें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सिर्फ एक खाने से सेहत नहीं बनेगी, इसलिए खूब सारी खाओ। मॉम क्या मुझे कुकीज मिल सकती हैं? अभी देती हूँ, मैंने गाजर कुकीज भी बनाई है। अरे ये गाजर रोज रोज खा खा कर मैं दुखी हो गया हूँ, कभी कुछ और भी बना लो मिर्ची। जैसे प्याज गोभी। बिल्कुल, क्या गाजर के अलावा और कुछ नहीं हमारे यहाँ? क्या करूँ हैरी, हमारे पास घर में गाजर के अलावा और कुछ नहीं है। मैं सेल में सिर्फ गाजर ही ले पाई, इतनी सारी है, अब हमें खत्म तो करनी ही पड़ेगी ना। पर हम रोज रोज गाजर नहीं खा सकते। अरे मिर्ची, मार्केट जाकर कुछ और सब्जियाँ ले आओ हमारे लिए। बिल्कुल जी का, हम गाजर खा खा कर बोर हो गए हैं। महीना खत्म होने वाला है, पैसे बहुत कम है मेरे पास, इसलिए और सब्जियाँ मैं अगले महीने ही लेकर आ पाऊंगी। डैड, ये तो बहुत बुरी बात है, मॉम ने सारे पैसे इतनी जल्दी खत्म कर दिए। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे मिर्ची, मैं कहना चाहता था कि मैं लंच में गाजर नहीं खाना चाहता हूँ, इसलिए अगर गाजर नहीं खानी है तो लंच आप बाहर कर सकते हैं। मैं, हिमावारी और शिनचैन घर पर गाजरे ही खाएंगे। अच्छा ठीक है, डिनर तक वापस आ जाइएगा, मिलकर गाजर खाएंगे। डैड आ जाऊंगा। तुम्हारे डैड भी ना बच्चों जैसी जिद करते हैं। मॉम हम भी लंच के लिए बाहर चलें क्या? नहीं नहीं, हमें तो गाजरें खत्म करनी है ना, हम घर पर ही खाएंगे। ओके, जैसा आप कहें मॉम। तुम्हारे डैड अब तक आए क्यों नहीं? बहुत भूख लगी है मॉम। ऐसा करो तुम खा लो। जब तक डैड नहीं आएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा मॉम। हाँ पर बेटा तुम्हें कल स्कूल जाना है ना, इसलिए तुम जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। अगर देर हो गई तो आप तो मुझे स्कूल छोड़ ही आएंगी ना। हाँ, क्या कहा तुमने, मैं स्कूल छोड़ाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं स्कूल लेट जाऊं और मुझे डांट पड़े? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये छोड़िए और सोचिए डांट कहाँ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो लगता है डांट को एलियंस अपने साथ ले गए। ये फालतू की बातें बंद करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं अभी जाकर उनसे, मैं बस अभी आती हूँ। तुम लोग चाहो तो तब तक खाना शुरू कर सकते हो। ये हैरी भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, बोला था कि डिनर तक वापस आ जाना, मैं इन्हें मैसेज कर देती हूँ। आप डैड को कॉल क्यों नहीं कर रही? वो मेरा फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, मैसेज कार्ड ही था तो सोचा SMS कर दूं। आपने कल ही तो भरवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाँ वो मैंने कल अपनी फ्रेंड से बात की ना तो पूरा बैलेंस खत्म हो गया। मैंने कहा था ना ये यहाँ नहीं रह सकता, इसे बाहर छोड़ के आओ। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझे बहुत प्यारा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इस कछुए को यहाँ से लेके जाओ। मैंने बोला ना मैं इस कछुए को कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम इसे ही अपने साथ रखो, मैं ही चला जाता हूँ। मुझे देखने दीजिए ना। तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन डैड भी अब तक नहीं आए। मॉम मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक डैड नहीं आ जाते। तुम्हें स्कूल जाना है ना, डैड को आने में पता नहीं कितनी देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। हो सकता है वो बाहर ही डिनर करके आए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है वो इस वक्त अपने किसी फ्रेंड के घर पर हो। ये भी तो हो सकता है उनके फ्रेंड उन्हें डिनर पर बाहर लेकर चले गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड आज घर वापस ही ना आए? मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसी बात है कि... बताओ बताओ क्या बात है? पहले बोलिए आप गुस्सा नहीं होंगी। हाँ ठीक है। एक राज की बात बताओ। क्या? कल मैंने डैड को अपने फ्रेंड से बात करते सुना है। मुझे लगता है वो इसलिए वापस नहीं आएंगे क्योंकि आप उन्हें रोज गाजर खिला रही हैं। फिर क्या हुआ? वो बोर हो गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डैड अपने दोस्त से फोन पर क्या बात कर रहे थे? जब मैं नहाकर आया तो मैंने देखा डैड अपने फ्रेंड से फोन पर कह रहे थे पार्टी। हाँ हाँ तुम सच कह रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मेरी पूरी बात सुनिए तो। बोलो। और फिर उसके बाद डैड ने अपने फ्रेंड से कहा पहुँच जाऊंगा। तुमने 8 बजे बोला है, मैं 7:30 बजे पहुँच जाऊंगा। बाय। अच्छा समझी, तो ये बात है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हैरी अपने दोस्त के साथ उसी पार्टी में गए हों? अगर वो जा रहे थे तो हमें भी ले जा सकते थे ना मॉम। बस अब तुम अपना मुंह बंद रखो। लगता है डैड का मैसेज है। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हैरी इतना अच्छा है ना, डैड गाजर नहीं खाएंगे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी फोन उठाने के लिए। हैरी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर वो पार्टी में होंगे तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना भी तो मिल रहा होगा। वो खाना खाने में बिजी होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहे। आने दो हैरी को घर पर, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ। वैसे एक बात तो है, कल रात मजा आ गया। गाजर के अलावा इतनी सारी बढ़िया चीजें खाने को मिली। तो अरे मैंने किया क्या है आखिर मुझसे? बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आप अपने दोस्त के साथ पार्टी में थे ना, बोलिए। अरे नहीं, हम लोग किसी पार्टी में नहीं, एक नई मूवी देखने चले गए थे मुझसे। क्या सच में? बिल्कुल सच, और इसीलिए मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया था। अरे वाह, मूवी देखकर मजा आ गया। बहुत बढ़िया मूवी थी, सबने अच्छा काम किया ना। हाँ, और हीरो के डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे थे, है ना? मैं अपना बदला लेकर आऊंगा। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। सच में मैंने इतने दिनों के बाद एक अच्छी मूवी देखी। वैसे तुमने घर पर बताया ना कि हम मूवी देखने जा रहे हैं? अरे कभी कभार बिना बताए जाने से कुछ नहीं होता है, घर जाकर मैं सब बता दूंगा मिक्सी को। अच्छा फिर चलता हूँ मैं। चलो फिर मिलते हैं। सच कह रहे हैं क्या? अरे यकीन नहीं तो कावागुची से खुद पूछ लो तुम। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे पर शिनचैन ने तो मुझे फोन पर बात करते सुना था मुझसे। पर शिनचैन ने मुझे बताया कि आपको अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाना है। इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम उठ गए शिनचैन, तुम्हारे डैड पार्टी में नहीं गए थे, वो तो मूवी देखने के लिए गए थे बेटा। पर उन्होंने कहा पार्टी। मूवी का नाम था पार्टी। पार्टी मूवी, पार्टी मूवी, पार्टी मूवी, पार्टी मूवी। अरे कभी कभी बच्चे से गलती हो जाया करती है। कोई बात नहीं चिंता बेटा।